नमस्कार, मैं नीति जतानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ। बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ चार में ए की मात्रा। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या है ए। ए एड़ी का, ए एड़ी का, ठीक है। और ए की मात्रा कैसे होती है? छोटा सा गोला और ये टेढ़ी लाइन, ठीक है। ये होती है हमारी ए की मात्रा। देखिए, ऐसे छोटा सा गोला और ये यहाँ पे एड़ी लाइन, ये है ए की मात्रा। जब ए की मात्रा व्यंजन के साथ लगती है तो उसका उच्चारण धीमे स्वर में और कम समय के लिए होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। और ए की मात्रा हमेशा ऊपर की ओर लगती है, ठीक है। ए की मात्रा कहाँ लगती है? ऊपर की ओर। आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 है। 35 में कुछ देखिए दिया हुआ है ए की मात्रा। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, फिर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके बाद एक छोटी सी कविता दी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि हमने पिछले में री तक सीखा था, अब हम सीखेंगे ए की मात्रा। तो सबसे पहले हम चित्रों के द्वारा ए की मात्रा सीखेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाया है। मुझे ये बताइए ये चित्र किसका है? सेब। शाबाश। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सामे ए की मात्रा से। मैंने क्या बोला था? कम समय के लिए होगा उच्चारण धीमे स्वर। सामे ए की मात्रा से ब। इसे लिखेंगे कैसे? से, सामे ए की मात्रा से ब। क्या पढ़ेंगे इसको? से, से ब, से ब, ठीक है। अगला चित्र किसका है हमारा? यस, पेड़। हमने इसको पिछले री की मात्रा में क्या पढ़ा था? वृक्ष, है ना। इसे हम पेड़ भी कहते हैं। पेड़ और वृक्ष एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। पा में ए की मात्रा पे, ठीक है। पे इसे लिखेंगे कैसे? पा, पा में ए की मात्रा पे, मात्रा ऊपर की ओर और, ठीक है। उच्चारण क्या करेंगे? पेड़। यस, क्या? अगला चित्र किसका है? ये तो सबको मालूम होगा। यस, केक। सबके बर्थडे में कट होता है ना, और सबको पसंद भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? केक। काम एक ही मात्रा के, क, केक। इसको लिखेंगे कैसे? के क। क्या पढ़ेंगे इसको? के क, के क, ठीक है। ये हो गए हमारे चित्र। अब देखिए, आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए लिखा है, बोल बोल कर पढ़िए। मैंने इन शब्दों को बोर्ड में लिखा है, अब मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपको सुनना है और उसके बाद सही उच्चारण करना है, ओके। तो मेरे साथ आइए। हमारा पहला शब्द है ए। रामे ही मतलब री। यहाँ पे देखिए, कुछ स्थान पे मैंने आपको सभी मात्राओं में दिखाया है, कुछ स्थान पे मात्रा नहीं लगती, स्वयं हम शब्दों को, वर्णों को लिखते हैं, ठीक है ना। ए री, ए री, ए री, ए कत्र, एकत्र। क्या पढ़ेंगे इसको? एकत्र। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ठीक है। ए क ता में आगे मात्रा, एकता, 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 ठीक है। एकता का अर्थ होता है यूनिटी, संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कामे एक ही मात्रा के, क। कामे एक ही मात्रा के, क, केक। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, केक का चित्र भी बना हुआ है, केक, ओके। अगला शब्द है हमारा खामे एक ही मात्रा खे, ल, खेल। इसको क्या पढ़ेंगे? खेल। इसका उच्चारण होगा खेल। अगला शब्द है बामे ए की मात्रा बे, र, बेर। हरे हरे होते हैं, है ना, वो कच्ची बेर होती है, जब वो पक जाते तो ऑरेंज कलर के, नारंगी कलर के हो जाते हैं, बे र, ओके। रामे की मात्रा रेत, रेत, रेत आप लोगों ने देखी, जिससे हमारा घर बनता है, घर में ईंटें और रेत और सीमेंट के मिश्रण से ईंटें जुड़ते हैं ना, रेत, रेत। आगे आएंगे
केसर एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, इसको हम किसमें खीर वगैरह में डालते हैं कलर चेंज करने के लिए। ओके बा मैं की मतलब बे सर है ना, बेसन, बेसन से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, आलू पंडे भजिए है ना, आप लोग खाते भी होंगे बेसन। ह वा में की मतलब वे, ला में की मतलब ली, हवेली, क्या पढ़ेंगे इसको हवेली, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड हवेली का मतलब क्या होता है, घर। माँ में ए की मतलब में, ह माँ में की मतलब माँ, मेहमान, मेहमान का अर्थ होता है अतिथि, हमारे गेस्ट। ओके मेहमान। भ र पा में ए की मतलब पेट, भर पेट, भर पेट, भर पेट का अर्थ होता है पेट भर के, ठीक है ना, मतलब जब हमारी जितनी हमको भूख हो उतना हम पूरा अच्छे से खा लें, भर पेट। र में ए की मतलब रे, ल गा में आ की मतलब का, ल में की मतलब री, रेलगाड़ी। ओके रेलगाड़ी ट्रेन, जिससे हम लोग अपने नानी के घर जाते हैं ना और घूमने भी जाते हैं, तो एक बार आप सब इस शब्द को वापस दोहराएंगे। ओके एड़ी एकत्र एकता, केक खेल बेर रेत, केसर बेसन, हवेली मेहमान, भरपेट रेलगाड़ी। ओके इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, हमें ए की मात्रा में हमेशा अच्छे से ध्यान रखना, उच्चारण भी एक मात्रा लगती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके में एक कविता, गीत की कविता, गीत टाइप की कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मीठे केले। केले सबको पसंद होते हैं बट मुझे भी पसंद, किसी किसी को नहीं पसंद होते, ठीक है ना। इसका शीर्षक है मीठे केले, आइए हम गीत को पढ़ते हैं, ठीक है ना, गीत गाते हैं। सब नामे एक ही मात्रा, जहां पे भी एक ही मात्रा आ रही है उस वर्ण को मैं रेखांकित कर रही हूँ, ठीक है, याद रखना। सबने मिल कर, मिलकर पा में एक ही मात्रा पेड़, पेड़ लगाया, ठीक है, हम मात्रा सीख चुके हैं, हम एक एक वर्ण में नहीं पढ़ेंगे, आ की मात्रा ए की मात्रा, हमें साथ पढ़ने की कोशिश करनी, तभी हमारी रीडिंग अच्छी होगी। सबने मिलकर पेड़ लगाया, का में एक ही मतलब के, ला में एक ही मतलब ले, केले का एक एक एक, पा में एक ही मतलब पेड़ लगाया, किसका पेड़ लगाया, केले का, सबने मिलकर केले का एक पेड़ लगाया। पा नी पानी, दा में एक ही मतलब दे कर, देकर, समय की मतलब उसे, समय की मतलब उसे, उसे बड़ा में आके मतलब दिया, पानी देकर उसे बढ़ाया, मतलब उसको पानी दे दिया तब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे आपन होते ना छोटे बच्चे होते फिर खाना खाते हैं दूध पीते हैं, तो क्या होते धीरे धीरे हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, ऐसे ही बड़े हुए, ठीक है ना, पेड़ को बढ़ाया। के ले का में एक ही मतलब के, ला में एक ही मतलब ले, केले नामे छोटी की मतलब निक, ला में एक ही मतलब निकले, केले निकले, हा रा में किसकी मात्रा है एक ही, हरे हरे हरे। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जब भी कोई दो शब्द समान आते तो उनके बीच में एक चिन्ह लगता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। केले निकले हरे हरे, ठीक है, जब केले कच्चे होते तो कहते थे हरे हरे, बाद में वो पक्के पीले होते हैं, आगे की पक्के उसके बारे में दिया हुआ है। पक कर, पक कर वा में एक ही मतलब वे, पीले ला में एक ही मतलब ले हुए, पक कर वे पीले हुए, जब केला पक जाता है तो कैसा हो जाता है पीला, आपने आम भी देखा ना, आम कच्चा होता है, जब आम पक जाता है तो पीला हो जाता है। चा में एक ही मतलब छे री, चेरी, मा में एक ही मतलब में, रा में एक ही मतलब री मेरी, के का में एक ही मतलब के,
केशव, चेरी मेरी केशव आई। ओके, अंतिम पद क्यों आएंगे? मीठे, थामेली की मात्रा ठे, मीठे केले। अपन ने बहुत बार पढ़ चुके हैं, का में ए की मात्रा के और ला में ए की मात्रा ले, केले। सब, न में ए की मात्रा ने, सबने। खा में आ की मात्रा खा ए, सबने खाए। क्या हुआ था, जब कच्चे केले पक गए तो चेरी मेरी केशव सबने मिलकर केले खाए। ठीक है, एक बार हम इसको वापस पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। सबने मिलकर पेड़ लगाया, मेरे साथ बोलिए, सबने मिलकर पेड़ लगाया, केले का एक पेड़ लगाया, पानी देकर उसे बढ़ाया, केले निकले हरे हरे। आगे आएंगे, पककर में पीले हुए, चेरी मेरी केशव आए, मीठे केले सबने खाए। ये गीत में क्या हमको इससे क्या शिक्षा मिल रही थी? सबने मिलकर क्या हुआ, एक पेड़ लगाया केले का। पहले जब केले का पेड़ लगाया, उसे पानी देकर बड़ा किया, फिर उसमें से क्या कच्चे केले निकलने लगे। कच्चे केले निकले, फिर धीरे धीरे वो केले क्या हो गए, पीले हो गए पककर। फिर जो मित्र थे चेरी मेरी केशव, वो आए और सबने मिलकर केले खाए। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें कोई भी काम संगठित होकर करना चाहिए। जैसे सबने मिलकर पेड़ लगाया था ना, तो वैसे हमें कोई भी काम संगठित होकर करना चाहिए, और हमें उसके फल की भी जो प्राप्ति होती है उसे सबको मिल बांट कर लेना चाहिए। जैसे जो सबने मिलकर पेड़ लगाया था, तो उसमें से केले निकले थे, तो कोई भी इधर अपने घर में ये रख सकते थे, केले खा सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, सबने मिलकर केले खाए। तो हमें भी काम क्या करना चाहिए, मिलजुल करना चाहिए, और उससे जो भी लाभ हो उसको भी आपस में बंटवारा करना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, ये हुई हमारी एक ही मात्रा। ठीक है, अब आपके प्रश्न क्रमांक 36 में, ठीक है, प्रश्न क्रमांक एक में देखिए क्या दिया हुआ है। चित्र देखकर वाक्य पूरे करिए। महेश, ये करेले का चित्र बना हुआ है, क रा में एक ही मात्रा, क रे ला खा, महेश करेला खा। ऐसे ही आपके अगला चित्र है किसका है, रेलगाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ देखिए राम में एक ही मात्रा है, रे ल गा में आपकी मात्रा का उड़ी, रेलगाड़ी चल पड़ी, रेलगाड़ी चल पड़ी। पिताजी, क्या है ये, हाँ सा में एक ही मात्रा, सेब, सेब लाए, पिताजी सेब लाए। रीना, यस वेरी गुड, ये पिक्चर है ना हमारा, यही पिक्चर है, केक खा, रीना केक खा। रेखा, किसका चित्र है, पेड़ का, पेड़ कैसे लिखते, पा में एक ही मात्रा और पेड़ पर मत चल। तो बच्चों ये है आपका गृह कार्य, इसको आपको पुस्तक में करना है। अब हम अगले वीडियो में नई मात्रा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी और वीडियो के लिए पसंद करें और साझा करें। धन्यवाद।